हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय साकिब अहमद में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के 1,87,000 शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास हैं, उन सभी का रिकाउंसलिंग की बात यहां पे हो रही है। और इनमें वो सभी शिक्षक सम्मिलित हैं जो पहली बार जो यहाँ पे अगर बात करेगा सक्षमता पास का जो काउंसलिंग हुआ था उसमें वो सम्मिलित किसी कारणवश नहीं हो पाए थे। ज़्यादातर आधार के प्रॉब्लम से शिक्षक उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे। उन सभी शिक्षकों का जो है यहाँ पे अब प्रॉब्लम दूर होगा और उनका जो है अगर बात करेगा तो फिर से रिकाउंसलिंग करने की बात हो रही है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में इस खबर को बताते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों को इस चैनल के विषय में और इस वीडियो के विषय में जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को पूरे डिटेल्स में इस खबर को बताते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं यह है स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा के अध्यक्षता में 15/10/2024 को संपन्न बैठक की कार्यवाही में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि पहले कंट्रोल सेंटर द्वारा जिलों में 13/9/2024 तक संपन्न काउंसलिंग का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, जिसमें अगर बात करिएगा तो टोटल अगर बात करिएगा तो 1,87,818 शिक्षक जो है सक्षमता पास हुए और काउंसलिंग में 1,84,452 अभ्यर्थी पहुँचे, जिसमें अगर बात करेगा तो 3,366 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं अगर बात करेगा 1,84,452 शिक्षक में 1,73,527 जो अभ्यर्थी थे वो काउंसलिंग हो पाया, शेष 10,931 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग नहीं हो पाया, जिसका कारण निम्नलिखित था। पहला अगर बात करिएगा तो 10,219 यहाँ पे बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु आधार नहीं था, आधार सत्यापित परंतु बायोमेट्रिक नहीं, 32 ऐसे थे, न तो आधार न बायोमेट्रिक सत्यापित, तो 239 ऐसे थे। ओटीपी नहीं आया ऐसे 311 शिक्षक थे और प्रमाण पत्र का सत्यापन लंबी थे 124 ऐसे शिक्षक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करिएगा तो कुल 1,39,634 शिक्षक के अभ्यर्थियों का काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गया, शेष 33,863 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कार्य सफल नहीं हो पाया। उपरोक्त के संदर्भ में बैठक में उपस्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पदाधिकारियों, विभागीय पदाधिकारियों, समिति के द्वारा चयनित परीक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि का व्यापक विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गए। ऐसे 3,366 अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे उनको जो है दोबारा मौका दिया जाएगा। उसके बाद है ऐसे 311 शिक्षक जिनका ओटीपी नहीं आए उनको भी दोबारा मौका दिया जाएगा। 32 ऐसे अभ्यर्थी जिनका आधार सत्यापित हुआ परंतु बायोमेट्रिक नहीं हुआ उनको भी दोबारा मौका दिया जाएगा। 10,219 ऐसे अभ्यर्थी जिनके काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ परंतु नाम में अंतर, जन्मतिथि में अंतर, आधार गलत प्रविष्टि इत्यादि के कारण आधार सत्यापन नहीं हो पाया, इसके जो है संबंध में निर्णय लिया गया है। ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या व मोबाइल नंबर में परिवर्तन कराना हो वे इस हेतु अपने आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देंगे। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा संशोधित नाम, जन्म, लिंग, आधार संख्या व मोबाइल नंबर की प्रविष्टि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर किया जाएगा एवं अभ्यर्थी द्वारा दिए गए आवेदन को भी अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में आवेदन भरते समय अंकित किए गए नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या व मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में यथावत रहेगा और इस पर किसी प्रकार का ओवरराइटिंग नहीं की जाएगी। इस प्रक्रिया में संपन्न होने के संबंधित शिक्षक को बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा की गई कार्रवाई का सत्यापन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का निर्णय 19/10/2024 तक सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करा करके विभाग को संसूचित करना है। और वहीं अगर बात करेगा जिलों को आवश्यक निर्गत किया दिनांक यहाँ पे देखिएगा 30/10/2024 तक प्राप्त आवेदन के आधार पर सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रविष्टि कराना और इसका सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम में टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने का आधार सत्यापित नहीं हो पाया तो ऐसी स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दायर किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल
को सही मानते हुए आधार सत्यापन किया जाएगा। दिनांक 13/9/2024 तक जिलों के संपन्न काउंसलिंग में 33,893 ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी पाए गए जिनके एक अथवा एक से अधिक प्रमाण पत्र में कोई न कोई कमी पाई गई है। इन शिक्षक अभ्यर्थियों के संबंधित निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। ऐसे 96 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका प्रमाण पत्र की प्रथम दृष्टता फेक पाया गया है कि सूची निकाल करके मुख्यालय स्तर पर गठित समिति के प्रमाण पत्रों की सहायता से जाँच कराई जाएगी। ऐसे 96 अभ्यर्थी थे जो किसी प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं कर सके, उन्हें इसके लिए पुनः अवसर प्रदान किया जाएगा। 23,801 अभ्यर्थी जिनका एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया है, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया जाएगा। ध्यातत्व हो कि संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अपलोड किया गया प्रमाण पत्र यथावत रहेगा, ताकि अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दोनों प्रमाण पत्रों की आवश्यकता अनुसार अवलोकन किया जा सके। उपरोक्त सभी कार्रवाई संपन्न होने के उपरांत इन शिक्षकों के काउंसिलिंग के हेतु तिथि एवं स्लॉट का निर्धारण कर अलग से संसूचित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 17/10/2024 के डेट में यहाँ पे शिवनाथ प्रसाद जी के द्वारा जो है सिग्नेचर कर करके इसको जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे लिस्ट भी दिया गया है, डॉक्यूमेंट 13/9/2024 तक फाइनल जो हुआ था उसका यहाँ पे पूरा लिस्ट है, जिसमें किस तरह से कितने शिक्षक जो है यहाँ पे उसमें सम्मिलित हुए, कितना का जो है सारा कुछ सही पाया गया, कितना का जो है आधार वेरीफाइड नहीं है, सारा कुछ आप लोग यहाँ पे पूरे डिटेल्स में देख सकते हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स इसमें दिया गया है, जिसमें आप लोग को देख लेना है कि आप लोग का जो इसमें जो भी प्रॉब्लम है उस आधार पर आपको ये जो बताया गया है उसके आधार पर आप लोग को अपना सारा का सारा चीज़ जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह करवाना है वो सभी करवा लेंगे, तभी जा करके आपका पूरा प्रक्रिया हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को इसके विषय में जानकारी मिल सके। और आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे हम लोग का हौसला अफजाई होता है और आप लोगों के लिए इस तरह से न्यूज़ हम लोग ढूँढ ढूँढ करके लाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाय साकिब अहमद में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार के 1,87,000 शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास हैं, उन सभी का रिकाउंसलिंग की बात यहां पे हो रही है। और इनमें वो सभी शिक्षक सम्मिलित हैं जो पहली बार जो यहाँ पे अगर बात करेगा सक्षमता पास का जो काउंसलिंग हुआ था उसमें वो सम्मिलित किसी कारणवश नहीं हो पाए थे, ज़्यादातर आधार के प्रॉब्लम से शिक्षक उसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे। उन सभी शिक्षकों का जो है यहाँ पे अब प्रॉब्लम दूर होगा और उनका जो है अगर बात करेगा तो फिर से रिकाउंसलिंग करने की बात हो रही है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में इस खबर को बताते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों को इस चैनल के विषय में और इस वीडियो के विषय में जानकारी मिले। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को पूरे डिटेल्स में इस खबर को बताते हैं।